नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। उच्च प्राथमिक विद्यालय अंग्राह में आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्राथमिक विद्यालय आराजी सवंसा के सार्थक निषाद ने बालक वर्ग अंग्रेजी हैंड राइटिंग में स्वर्ण पदक जीता। बालिका वर्ग में 50 मीटर और 200 मीटर में वंशिका गौतम ने स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर विद्यालय और सवंसा गांव का नाम रोशन किया है। बालिका वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता में दिव्या सिंह अगुवाई में उजाला गौतम, आयशन ने, सृष्टि गिरी, सुषमा पलक, सरोज अर्पिता इत्यादि ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक प्राप्त किया। इस स्वर्णिम सफलता के लिए विद्यालय के समस्त शिक्षकों, संतोष निषाद, प्रधानाध्यापक कामना, अनिल कुमार, अभिमन्यु विश्वकर्मा, पासुपत मिश्र, अर्चना सिंह का बहुत बहुत आभार प्रकट किया गया, जिनकी कठिन मेहनत और लगन के कारण यह स्वर्णिम सफलता मिली। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मांडवी सिंह, विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी मछली शहर श्री बसंत कुमार शुक्ल जी, खंड शिक्षा अधिकारी महाराजगंज श्री अरविंद पांडे, जिला मंत्री संघ श्री भानु प्रताप राव, अध्यक्ष संघ महाराजगंज श्री उपानाथ यादव आदि मौजूद रहे। अपना परिचय बताएं। मैं बसंत कुमार शुक्ला, खंड शिक्षा अधिकारी मछली शहर, यहाँ के डीओ हमारे छोटे भाई अरविंद पांडे जी ने आमंत्रित किया विशिष्ट अतिथि के रूप में। हम यहाँ पर आए, बड़ा अच्छा लगा, कार्यक्रम बहुत भव्य चल रहा है, लोगों की सहभागिता अच्छी है और लोग खुशी खुशी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो आयोजक हैं, अध्यापकों का, बच्चों का, यहाँ पर संपूर्ण सहयोग मिल रहा है। निष्पक्ष रूप से खेल प्रतियोगिता निर्बाध रूप से चल रही है। हम सभी बच्चों को शुभकामना देते हैं कि बच्चे आगे बढ़ करके तहसील का नाम रोशन करें और अपने ब्लॉक का नाम रोशन करें। सर, उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? इसका मुख्य उद्देश्य है कि चूँकि शासन का जो उद्देश्य है कि शिक्षणेतर कार्यक्रम कराए जाएँ, इसके अंदर खेलो इंडिया कार्यक्रम भी शासन के द्वारा चल रहा है। बच्चों का एक तरीके से महोत्सव के रूप में खेल के प्रति जागरूकता होगी और अध्यापक भी अपने बच्चे को चिन्हित कर लेंगे कि वास्तव में कौन सा बच्चा किस खेल में निपुण है, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसे प्रतिस्पर्धा में ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाता है, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। सर, आप अपना परिचय और दो शब्द इस कार्यक्रम के बारे में। मैं अरविंद कुमार पांडे, खंड शिक्षा अधिकारी महाराज की पद पर कार्यरत हूँ। आप यहाँ ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है और इसमें सभी बच्चे उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और अपने सभी अध्यापक जो है निष्पक्षपूर्वक खेल प्रतियोगिता संपन्न करा रहे हैं। अब ये बच्चे जो यहाँ से विजयी घोषित होंगे, ये हमारी जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। जी जी जी, प्रमुख जी। मैडम, आप पे इस कार्यक्रम के बारे में दो शब्द। मुझे यहाँ बुलाया गया है, जो बच्चे यहाँ पे प्रोग्राम अपना कर रहे हैं, कला दिखा रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा है। बच्चे, मैं बच्चों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामना देना चाहती हूँ कि बच्चे हमारे उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के उड़ रहे हैं। और बच्चे बहुत अच्छे और बहुत प्यारे होते हैं, और जो यहाँ के शिक्षक हैं, मैं यही चाहूँगी कि बच्चों को और निपुण और स्वच्छ बनाए। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में बच्चों के प्रति क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? बच्चों के प्रति मैं यही पैगाम देना चाहिए, आप हमेशा अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कार को कभी मत भूलना। पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ो, लेकिन अपनी संस्कृति को हमेशा साथ लेके चलना और आगे बढ़ते रहिए। आप शिक्षा स्तर का जो ज्योति होती है, परमेश्वर का साक्षात्कार दिए, शिक्षा के प्रति भी कुछ थोड़ा दो शब्द बताइए। शिक्षा तो जीवन का मूल्य है जी। शिक्षा की वजह से तो बच्चे आगे जाएं।